चलो चलते हैं पिंकी और डोली के रूम में, उन्हें जगा देते हैं, काफी देर हो गई है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना मेरी वीडियो लाइक करते हैं और ना मुझे कमेंट करते हैं। आप तो मेरी वीडियो शेयर भी नहीं करते। प्लीज़ 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 मेरी वीडियो पूरी देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें आए पिंकी और डोली को उठाते हैं। डोली और पिंकी उठ जाओ मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, सुबह हो गई है, जाग जाओ। अस्सलामु अलैकुम डोली और पिंकी। अरे मम्मा मैं तो जाग गई, गुड मॉर्निंग। मैं भी जाग गई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, जल्दी से दोनों बहनें उठ के देखो, उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, नमाज का टाइम हो गया ना बेटे। दोनों बहनें उठो, वजू करो, नमाज पढ़ो और उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करो। ओके मम्मा मैं उठ रही हूँ। ठीक है, ओके। वाओ आज तो मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। मैं बगैर मेकअप की कितनी प्यारी लगती हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला ने मुझे मेकअप वाला नहीं बनाया। मेरा तो शूज ही नहीं पहना जा रहा मम्मा, आप मुझे शूज पहनाए ना आके। मेरा शूज क्यों नहीं पहना जा रहा? देर हो रही है मम्मा, मुझे जल्दी आए। अरे मेरी प्यारी सी बहन आ गई, अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने, कहाँ बिजी थी आप? बस वो घर के कामों में बिजी थी, फिर कॉलेज भी तो जाना था ना मुझे। मेरी प्यारी बहन, मेरी बहन बहुत दिल लगा के पढ़ती है, मेरी बहन बड़ी होके डॉक्टर बनेगी। जी मैं तो बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी। अरे मेरी प्यारी बहन तुम बैठ जाओ, मैं देख कर आती हूँ पिंकी क्यों रो रही है। हाँ हाँ तुम देख कर आ जाओ कि पिंकी क्यों रो रही है। अरे बेटा आप क्यों रो रही हो? मैं समझी डोली रो रही है, क्या हुआ पिंकी बेटा? मेरा शूज नहीं पहना जा रहा, मैं क्या करूँ? आप मुझे शूज पहनाए ना, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए। पिंकी बेटा आप कब से वहाँ क्या कर रही हो? देखो आपकी बहना परेशान हो रही है, आपको चाहिए कि आप अपनी बहना की हेल्प करो। मम्मा मैं तो कब से यहाँ बैठ के मेकअप कर रही हूँ, उसके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं। बहुत बुरी बात होती है बेटा, छोटे बहन भाइयों को ऐसे नहीं कहा जाता है। मामा ये कैसी बहन है, मुझे क्या बोल रही है? ऐसे तो बहन नहीं बोलती, मामा मुझे चूच पिनाओ ना। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को आज के बाद खुद तैयार करूंगी, मेरा प्यारा बच्चा। थैंक यू मामा, आप बहुत अच्छी हो। वाओ मम्मा ने मुझे शूज पहना दिए, वाओ मम्मा कितनी क्यूट है। डोली डोली मेरी छोटी प्यारी सी बहना, क्या तुमने मेरे शूज देखे हैं? क्या आपने मेरी हेल्प की थी? क्या फिर मैं आपकी करूं? ठीक है फिर मैं मम्मा से हेल्प मांगती हूं, मैं नाराज हूं, मैं जा रही हूं, बाय। मम्मा वो पिंकी मेरी हेल्प नहीं कर रही। मेरी बेटी अब आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है आपको? मम्मा मेरे शूज नहीं मिल रहे हैं और पिंकी भी मेरी हेल्प नहीं कर रही। मम्मा इसने मेरी हेल्प नहीं की थी ना, इसलिए मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगी, मैं इससे नाराज हूँ। मेरा बेटा बहुत बुरी बात होती है, मैं हमेशा आप लोगों को समझाती रहती हूँ ना कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करने से अल्लाह खुश होते हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को सॉरी बोलो। सॉरी मैं आइंदा की बात नहीं करूँगी पिंकी। ओके मैं भी सॉरी करती हूँ आपसे। ओके
चलो अब लड़ाई नहीं करना और ना ही एक दूसरे से नाराज़ होना, मेरे बच्चों मिलजुल के रहा करो। चलो आप दोनों बहनें खाला को लेकर जाओ, लाउंज में बैठो और मैं आप लोगों के लिए यम्मी सा खाना बनाती हूँ। ज़्यादा भूख लग रही है, पता नहीं मम्मा अभी तक मम्मा खाना कब लेकर आएंगी। बहुत भूख लग रही है, मम्मा से जाके बोलो ना डॉली कि कुछ जल्दी से ले आए बना के। खाला को भी कब से भूख लग रही है, वो भी बेचारी ऐसी ही बैठी हुई है। हाँ मुझे भी कब से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने तो बोला भी नहीं, मुझे शर्म आती है बोलते हुए। जल्दी से बोलो ना अपनी मम्मा को जाके कुछ बना के लेकर आए ना। काफ़ी होंगे, चलो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी और आज तो मेरी बहना भी आई हुई है, चलो मैं उनके लिए खाना लेकर जाती हूँ। खाना बन चुका है। एक तो ये डोली भी बाजार जाते हुए इतने सारे स्पून ले आती है, मैं दो दो के थक जाती हूँ। तो इसने अभी तक चाय भी नहीं रखी डोली ने, सब खाली पड़ो है, किसी काम की नहीं है ये। बहुत शुक्र मम्मा आप ले आई, मुझे कब से भूख लग रही थी। बेटा मैं ले आई, अब तुम लोग खा लो। ज़्यादा मज़े का लग रहा है मुझे, चलो पिंकी पहले तुम ट्राई कर लो। पहले खाला को दे देते हैं ना, कुकुमो खा ले। ये तो बहुत ज़्यादा यमी है, भी खाना बनाना सीख लो अपनी मम्मा से, बड़ी हो गई हो। खाला भी ना हर वक्त बोलती रहती है खाना बनाना सीख लो, खुद को आगे से हमें भी बोलती रहती है। हम खाना बनाना सीखे, अभी तो हम लोग इंजॉय करेंगे, घूमने भी जाएंगे, फिर बाद में खाना बनाना सीखेंगे। यम्मी यम्मी, ये तो बहुत ज्यादा मजे का है मम्मा। ओ मम्मा आपने तो बहुत अच्छा बनाया है ये। आज मुझे शॉपिंग पे भी जाना था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कल हम शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन आप लोग मेरी कल वाली वीडियो ज़रूर देखना और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और मेरी वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।